ये जामिल का चीलर है, तो इसका इंस्टॉलेशन को चेक करने के लिए साइट पे विजिट किए। तो सबसे पहले कोई भी चीलर हो उसके कैपेसिटी के हिसाब से स्प्रिंग आइसोलेटर लगाना है बेस और यूनिट के बिटवीन पे, यूनिट बेस और यूनिट के बिटवीन पे जो स्प्रिंग आइसोलेटर है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लगाया नहीं है लोगों ने स्प्रिंग आइसोलेटर, तो ये एक पहला काम जो हाँ आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद ये होल देखना आपको, ये कितना है, ये है ना, एक बीच में दो और एक लास्ट में तीन, यानी कि जितना वो होल है उसके हिसाब से वो स्प्रिंग आइसोलेटर लगेगा टोटल, यानी कि तीन इस तरफ है तीन उस तरफ है, मिडिल में नहीं लगाता है जामिल, तो यानी कि टोटल आपको छः स्प्रिंग आइसोलेटर लगेगा कैपेसिटी के हिसाब से। इस मॉडल में आपको तीन लगेगा, तो वो होल को याद रखना, जो सपोर्ट जो क्लैंप है उसके बीच में जो होल है वो आपको एक दो तीन है, ओके। तो ये आपका इंस्टॉलेशन, जब आप चीलर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ये लाजमी है, ये होना चाहिए, ओके। और इतनी बड़ी कैपेसिटी में रबर पैड का इस्तेमाल नहीं करें, स्प्रिंग आइसोलेटर ही चाहिए, ओके। मोटा मोटी समझाने के लिए यहाँ पर आप देख लें इसका, ये चिल वाटर पंप है, ये इसका इनलेट लाइन है, ये इनलेट लाइन में ये आपका गेटवे वाल लगाया है, दो मोटर के लिए, एक ड्यूटी और एक स्टैंड बाई के लिए, तो एक इन में है और ये आउट में एक रखा है, इन और आउट। मोटर का ये इन है, पानी लेके ये आपको ऊपर की तरफ फेंकेगा, पानी को ऊपर की तरफ फेंके तो एक ड्यूटी मोटर रहेगा, एक स्टैंड बाय रहेगा, एक यानी कि स्टेपनी के लिए, ओके। तो पानी यहाँ से ये आउट है तो ये ऊपर की तरफ ये आपको इस तरफ आएगा, ये आएगा इस पर आपको आ रहा है, ये आपको आया जामिल का। एक बात, ये जो बैरल है आप देख रहे हैं जामिल का बैरल, अक्सर जामिल का जो इन है वो अगर आप किसी के पास इस तरह से खड़े होंगे तो आपको लेफ्ट पड़ेगा, लेफ्ट साइड इसका इन है। बहुत सी कंपनी का राइट साइड इन इनलेट पाइप होता है, लेकिन जामिल का जो इनलेट पाइप है वो लिखा भी है, मेंशन है, लेकिन जामिल का अक्सर आपका जो इनलेट लाइन है वो लेफ्ट साइड है, अगर आप जो एसी के पास इस तरह से खड़े होंगे, लेकिन दूसरी कंपनी का आपका राइट साइड पे इनलेट होता है, तो लेकिन जिस भी कंपनी का उसके हिसाब से, तो जामिल की बात करते हैं, इनलेट लाइन लेफ्ट साइड पे है और कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ता है ना, इनलेट लाइन की कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोल पैनल है, वो उधर आपको इनलेट लाइन है उसका, तो ये पानी का आपका इनलेट लाया है, तो यहाँ पर आप गेटवे वाल या बटरफ्लाई वाल को आप इस्तेमाल इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बड़ा सिस्टम नहीं है, छोटा सिस्टम है, इसलिए लोगों ने बटरफ्लाई वाल लगाया है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी का प्रेशर है और बड़ा सिस्टम है तो वहाँ पर आपको गेटवे वाल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन लोगों ने यहाँ पर देखे इनलेट लाइन, यानी कि जाने से पहले एक आपको बटरफ्लाई वाल लगाया है, उसको आगे ला के आपको स्टीनर लगाया है। एक बात ये भी, स्टीनर हाँ दिखाओ, इससे ये बात हो गया कि जब भी स्टीनर लगेगा वो आपको इनलेट लाइन से पहले लगेगा, ठीक है ना, पानी, ताकि पानी जो अंदर जाए, पानी में कोई भी डस्ट वगैरह रहे वो अंदर जाने से पहले ही वो फिल्टर उसको छान ले, उसको ये रोक ले अंदर जाने से पहले। फिर यहाँ से आपका ये गया इनलेट लाइन से, फिर आपका वो आउट लाइन है, अब ये आउट लाइन हो गया, ये आउट लाइन पाइप है, ठीक है। आउटलाइन टाइप में अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, काम बाकी है, तो आउटलाइन टाइप पे एक बटरफ्लाई का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब इसमें आपको वाटर फ्लो स्विच लगाना होगा, तो वाटर फ्लो स्विच आउटलाइन में लगेगा, आउटलाइन में वाटर फ्लो स्विच लगेगा, जामिल वाटर फ्लो स्विच आउटलाइन में लगाता है, कुछ कंपनी इन में भी लगाती है, लेकिन जामिल का जो डिज़ाइन है वो आउटलाइन में आपका वाटर फ्लो स्विच लगेगा। दो प्रेशर गेज लगेगा, वाटर प्रेशर गेज इन एंड आउट पे, जो अभी लगा नहीं है, दो थर्मामीटर लगेगा इन एंड आउट पे, और एक वाटर बैलेंसिंग वाल्व लगेगा वाटर को बैलेंस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, एक वो भी आउटलाइन में लगेगा। तो आपको दो, जो एक प्रेशर गेज इन में और एक थर्मामीटर, लेकिन आउट में जितनी चीज़ें हैं वो सब आउट में लगेगा। आउटलाइन में क्या लगेगा, बटरफ्लाई वाल, और अगर सिस्टम बड़ा है तो आप गेटवे वाल लगा देंगे, बाद में प्रेशर गेज, थर्मामीटर, वाटर बैलेंसिंग वाल्व और फ्लो स्विच, ये सब आपको आउटलाइन में लगेगा, अभी लगा नहीं है, बाद में ये लगेगा। तो ये आपका आउटलाइन है,
और फिर ये आपका पानी जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ जा रहा है। हाँ, किसी मशीन को पानी का टेम्परेचर चाहिए, हाँ ये रूम के लिए नहीं है, किसी मशीन को पानी का टेम्परेचर उसको 5 से 6 डिग्री चाहिए, उसके लिए चिलर इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, ये जितने जो पाइप देख रहे हैं पीवीसी पाइप है, ये पीवीसी पाइप है और ये इलेक्ट्रिकल टाइप का ये पाइप, ये अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको इलेक्ट्रिकल के इसका एक डिवाइस आता है, एक बैटरी टाइप का, उसको पावर दे के उसको वेल्ड किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली वो वेल्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है, अभी वो मूव कर रहा है, तो सिर्फ अभी ऐसा रखा गया है। तो ये मोटा मोटी काम है, इंस्टॉलेशन से पहले ये चीज़ें देखना चाहिए और ये चीज़ें लगना चाहिए चिलर चालू करने से पहले। बाद में नेम प्लेट में चल जाते हैं, तो ये चिलर जो आपका है ASC 120 यानी कि 120 टन इसकी कैपेसिटी है, तो मोटा मोटी। ओके, तो बाद में आपका इस नेम प्लेट को पढ़, मैं बार बार बोलता हूँ नेम प्लेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी कुछ उसमें मेंशन है। सबसे पहले ये इसका एक मॉडल है, तो मॉडल चल गया आपको, मॉडल हो गया, उसके बाद ये मॉडल हो गया आपको, यहाँ पर गैस मेंशन किया कि कौन सा गैस है, तो यहाँ पर भी लेकिन इसको क्लियरली वो मेंशन किया है 134A फ्रीन का इस्तेमाल किया है। इस यूनिट का जो मेन वोल्टेज क्या है, मेन वोल्टेज भी मेंशन किया है, 380 है, 3 फेस है और 60S। कंट्रोल वोल्टेज मेंशन किया है कि 230 सिंगल फेस, यानी कि जो मेन वोल्टेज है जो वो आपका 380 है, लेकिन इस कंट्रोल जो है वो 230 है, उससे भी आपको ये भी मान चल के 230 सिंगल फेस का होना चाहिए। ओके, दो कंप्रेसर है, कंप्रेसर दो है। ओके, कंप्रेसर का मॉडल भी मेंशन है RC2 ओके -31 CFP LRI RLA आपका 144 है, LRA 3670 है। गैस का किलो भी मेंशन किया है, गैस 60 kg का, 60 kg गैस चाहिए। ओके, ये आपका हो गया। कंडेंसर फैन 8 है, यानी कि एक सिस्टम में 4 चाहिए, 4 के फैन है, एक सिस्टम में 4 फैन है। उसका वाट आपका 2300 है, फुल लोड एम से 4.1 कंडेंसर फैन की बात करें, वोल्टेज फैन का भी 383 और 60 होगा आपका। इसमें ऑयल हीटर है, क्रैंकेस यानी कि क्रैंकेस की बात कर रहा वो, उसका फुल लोड एम्स 1.3 है, वो सिंगल फेस का क्रैंकेस हीटर है, 230 सिंगल फेस का वो होगी। बाद में ये आपका कैपेसिटी पे ओके, यहाँ पर आपका जो ये एम्स है यानी मिनिमम 350 और मैक्सिमम 450 एम्स ये सिस्टम लेगा। ओके, थ्री फेज के लिए ये है रेड येलो ब्लू लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 और इसमें न्यूट्रल का लाइन नहीं है, टीएस का है ये, यहाँ से आप केबल लेके आएंगे और लगाएंगे। तो इस एक चीज़ और, आप यहाँ पे जो टर्मिनल देखें HVTV हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, तो 3 फेस आपका यहाँ, 3 फेस आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इसमें NTB का टर्मिनल आपको नहीं दिख रहा होगा, जैसे ये एर्थ का है ना, एर्थ लगाने का अर्थिंग, लेकिन NTB का नहीं है यानी न्यूट्रल टर्मिनल ब्लॉक का नहीं है, तो वो कैसे करेगा, उसके लिए वो ये इस्तेमाल किया है, उसके लिए उसने ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया है और उस ट्रांसफार्मर से वो इनपुट लेगा 380, आउटपुट करेगा 230 सिंगल फेस, वो है ना 0 to 230 आपको नज़र आता होगा, 0 to 230 सिंगल फेस वो आउटपुट करेगा, यानी वो जो वायर नंबर 1B और 1C वो जो है वो आपका 230 आउटपुट करेगा सिंगल फेस, और ये आपका जो यहाँ लगा है 1 या 1F ये 380 है, ये 380 इनपुट्स है, तो इसीलिए उसको NTB की ज़रूरत नहीं है, NTB की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इनपुट्स आपका 380 लेगा वो ट्रांसफार्मर, और आउटपुट जो हमें कंट्रोल को, जो हमारा कंट्रोल 230 सिंगल फेस का है, वो हमारा कंट्रोल को, ये कंट्रोल को जो पूरा है, ये पूरा कंट्रोल जिसको चाहिए वो स्पेशली जो आप टर्मिनल 1 और 2 दिख रहे हैं, ऊपर है वो आपको 1 2 जो दिख रहा है वो आपका
इसको 220 वोल्टेज चाहिए, वो वहाँ पर वो 220 लेगा, बाकी सबको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सबको वो जगह जगह जहाँ इसको देना है वो वहाँ पर वो दे देगा। यही है इसका इतना यहाँ तक। और उसके बाद जब चालू करने से पहले, जब आप चीलर चालू कर रहे हैं, तो जितनी भी ओके, तो ये वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके।